ज्यादातर आपने सुना होगा कि दिल की बीमारी का कारण ओवरवेट या फिर स्मोकिंग होता है। ओवरवेट होने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिस कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। उसके सिवा आप अपने खाने में पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं या फिर ऑयली खाना ज्यादा खाते हैं, तो उससे भी दिल की बीमारी होती है। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि अगर ईयर लोब यानी कि कान के निचले हिस्से पे टेढ़ी लाइन आ जाती है तो ये दिल की बीमारी होने का संकेत है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो कान पे कोई लाइन नहीं होती है। ईयर लोब नॉर्मली काफी स्मूथ और कोमल होता है, पर ईयर लोब पे लाइन होना दिल के साथ कैसे जुड़ा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन आप शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। 1973 में न्यू इंग्लैंड के जर्नल ऑफ मेडिसिन ने रिपोर्ट पब्लिश किया था कि डायगनल ईयर लोब क्रीज ELC यानी कान पे कोई लाइन या व्रिंकल हो तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का संभावित संकेत है। कान का हार्ट से सीधा कनेक्शन होता है। हार्ट की कोरोनरी धमनियां हार्ट से कान तक आती है। सबसे पहले इस बात का रिसर्च डॉक्टर सैंड्रस टी फ्रैंक ने किया था, इसीलिए ईयर लोब पे आए लाइन को फ्रैंक साइन कहा जाता है। अब कान के निचले हिस्से पे टेढ़ी लाइन आने की वजह ये है कि कान तक रक्त का बहाव कम हो जाने की वजह से लाइन आती है। इसका मतलब होता है कि हार्ट में कहीं पे ब्लॉकेजेस है, जिस कारण रक्त का बहाव नॉर्मल नहीं है। यह हार्ट में होने वाले बदलाव का संकेत है। हार्ट में से कुछ छोटे ब्लड वेसल्स जो कान तक रक्त का बहाव करते हैं, वो ब्लड वेसल्स के टिश्यू खराब हो जाने के कारण कान के निचले हिस्से पे लाइन आती है। 1973 के बाद 1991 में भी इस बात पे रिसर्च हुआ था, जिसमें काफी सेम रिजल्ट ही मिला। ईयर 2006 में 40 साल से भी कम लोग मिले जिनके कान के निचले हिस्से पे लाइन थी और उसकी वजह थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसीलिए अगर आपको भी कान के निचले हिस्से पे ऐसी टेढ़ी लाइन दिखाई दे तो साधारण बात समझ के इग्नोर मत करिए। जल्द से जल्द डॉक्टर से इसका इलाज करा दीजिए। कई बार व्यक्ति शरीर पे दिखने वाले साधारण से निशान को अनदेखा करते हैं, लेकिन साधारण दिखने वाले निशान आगे आपके लिए नुकसान कारक हो सकते हैं। इसीलिए अनदेखा ना करें और वक्त पे चेक कराएं डॉक्टर से, और ये जानकारी दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।